हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ हरजीत कौर हम कर रहे थे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन तो पहले के 18 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रोजन इज बेसिकली एन क्रोजन क्या होता है क्रोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है क्रोजन क्या है क्रोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है जिसमें कुछ केमिकल चेंजेस होती है राइट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अ सेकेंडरी सेल अब बात आती है कि सेकेंडरी सेल होते क्या हैं ये तो एग्जांपल्स है ना जिनमें से हमने बताना है कि सेकेंडरी सेल की एग्जांपल कौन सी है अब देखो दो तरह के सेल होते हैं एक होते हैं प्राइमरी सेल और एक होते हैं सेकेंडरी सेल प्राइमरी सेल और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल क्या होते हैं ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल दोनों में डिफरेंस क्या है प्राइमरी सेल होते हैं जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो उनको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता वो रिप्लेस करने पड़ते हैं प्राइमरी सेल एक बार डिस्चार्ज हो गए तो मतलब वो ख़त्म है उनको दोबारा से रिप्लेस करना पड़ेगा तो प्राइमरी सेल की एग्जाम्पल्स कौन सी हो गई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल हो गया या फिर डेनियल सेल जो है ये भी प्राइमरी सेल है डेनियल सेल ये दोनों प्राइमरी सेल है नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी सेल सेकेंडरी सेल होते हैं कि एक बार अगर डिस्चार्ज हो गए तो उनको हम दोबारा से चार्ज करके फिर से यूज कर सकते हैं तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल सेकेंडरी सेल कौन सा होता है निकल कैडमियम सेल निकल कैडमियम सेल जो है ये सेकेंडरी सेल है राइट ऊपर ड्राई सेल है ड्राई सेल किसकी एग्जांपल है प्राइमरी सेल की गॉट इट नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द अपोलो मून फ्लाइट्स आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या होता है अपोलो मून फ्लाइट्स पे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स वहां पे होता है फ्यूल सेल अब तीन तरह के फ्यूल सेल्स होते हैं और ये जो फ्यूल सेल्स होते हैं ना ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करके बनते हैं किसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करके बनते हैं फ्यूल सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करके बनते हैं फ्यूल सेल्स और ये क्या करते हैं एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स ही यहां पे पूछा हुआ है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या है फ्यूल सेल फ्यूल सेल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाए जाते हैं उससे ये एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं दूसरा वाटर अब ये जो वाटर है इसको जो क्रू मेंबर्स होते हैं जो ऑस्ट्रोनॉट्स का क्र्यू होता है वो इस वाटर को यूज करता है गॉट इट नेक्स्ट वेन लेट स्टोरेज बैटरी इज चार्ज लेट स्टोरेज बैटरी को जब चार्ज किया जाता है तो किस तरह से एक्ट करती है देन इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोल्टिक सेल लेट स्टोरेज बैटरी जो होती है जब उसको चार्ज करते हैं तो वो कैसे एक्ट करती है एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूजली ये जो गाड़ियां वगैरह होती है या बाइक्स होते हैं इनमें लेट स्टोरेज बैटरीज ही होती है राइट तो इनको चार्ज किया जाता है तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह ये एक्ट करती है और जब ये डिस्चार्ज हो जाती है तो तब ये एक्ट करती है एज ए ग्लोवैनिक सेल अब जब इनको चार्ज किया जाता है ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है जब इनको चार्ज किया जाता है तो इन पे जो सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट है ये डिक्रीज हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है क्यों क्योंकि जो लेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना इनके अंदर जो लेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके ऊपर जो लेड सल्फेट है उसकी एक कोटिंग बन जाती है राइट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मॉडरेट कंडक्टर कौन सा है तो दैट इज द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कौन से एलिमेंट की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है तो दैट इज सिल्वर सिल्वर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है अगर हम बात करें स्केल की जीरो टू हंड्रेड का स्केल है उस पर हमने बताना है कि सिल्वर की कंडक्टिविटी कितनी है। तो उस पे जो सिल्वर की होती है कंडक्टिविटी आती है नाइनटी सेवन एंड गोल्ड की होती है सेवनटी सिक्स राइट नेक्स्ट है द कंडक्टिविटी सेल इज प्लेटिनाइज कंडक्टिविटी सेल जो होता है उसको प्लेटिनाइज किया जाता है मतलब उसके ऊपर प्लेटिनम की एक एक कोटिंग करी जाती है क्यों करी जाती है उसको क्यों प्लेटनाइज किया जाता है टू अवॉइड पोलराइजेशन इफेक्ट पोलराइजेशन इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए जो कंडक्टिविटी होती है सेल की जो कंडक्टिविटी सेल है उसको प्लेटनाइज किया जाता है प्लेटिनम की कोटिंग करी जाती है तो पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होता है पोलराइजेशन इफेक्ट होता है कि जो सल्यूशन का रेजिस्टेंस चेंज होता है सल्यूशन जो होता है जो भी इलेक्ट्रोड्स के आसपास सल्यूशन है तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है चेंज क्यों होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तभी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज होती है तो इसको अवॉइड करने के लिए जो कंडक्टिविटी सेल है उसको प्लेटनाइज किया जाता है गॉट इट नेक्स्ट द यूनिट इक्वलेंट कंडक्टिविटी इस इक्ट कंडक्टिविटी के यूनिट क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अंग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कौन सा नहीं है तो दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता इसीलिए ये क्या है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है नेक्स्ट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के यूनिट क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इन्वर्स नेक्स्ट एंड अप्रेटर्स यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस या अप्रेटर्स यूज होता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कुलो ये है कूलोमीटर या फिर वोल्टमीटर भी यूज होता है फिर और क्या यूज होता है वोल्ट मीटर नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को मेजर किया जाता है एम्पियर से कि पर सेकेंड कितने एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हुई है तो यूनिट क्या हो जाएंगे इसके एम्पेयर सेकेंड नेक्स्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किया जाता है जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक कोटिंग करी जाती है या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए मेटल की रिफाइनिंग के लिए प्योर एंड इंप्योर मेटल को अलग अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिस का प्रोसेस यूज किया जाता है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट है प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज प्योर वॉटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्यों क्योंकि जो प्योर वाटर होता है दैट इज ऑलमोस्ट नॉट आयोनाइज इसमें जो आयन कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज वेरी लेस ना के बराबर होती है आयन कॉन्सेंट्रेशन प्योर वॉटर के अंदर राइट right? क्योंकि आयन से ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ना तो जब आयन सी नहीं होएंगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्व सोल्यूशन विल कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक कंडक्ट करंट क्वाइट वेल तो एक्व सोल्यूशन कौन सा है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा तो दैट इज एच सी एल एच सी एल क्या है एच सी एल एक इलेक्ट्रोलाइट है एच सी एल क्या है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है नेक्स्ट है द लाइफ स्पेन ऑफ अ डेनियल सेल मे बी इंक्रीज बाय डेनियल सेल की अगर लाइफ स्पेन को इंक्रीज करना है तो उस पर हमें जिंक इलेक्ट्रोड बढ़ाना होगा लार्जर जिंक इलेक्ट्रोड लगाकर डेनियल सेल की जो लाइफ स्पेन है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं डेनियल सेल क्या है डेनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है राइट नेक्स्ट है वॉटर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट बट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर वाटर वाटर जो है है ये क्या है, ये क्या एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रिसिटी यूजली जो प्योर वाटर है वो कंडक्ट नहीं करता लेकिन अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट डाल देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्यों क्योंकि जो कॉमन सॉल्ट है ये क्या है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है कॉमन सॉल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट है नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डिसोसिएशन है वो किस पे डिपेंड करती है तो वो डिपेंड करती है डिल्यूशन पे कि कितना डिल्यूट है नेक्स्ट है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडर टू डिपॉजिट 127.08 ग्राम ऑफ कॉपर इज फोर फैराडे राइट सो दैट सॉल्व फॉर टूडे तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू बाय बाय हैव अ नाइस डे